रहे हो राय बहादुर भैया? चीचा जी, आपने बिल्कुल सही वक्त पर मुझे यहाँ भेज दिया। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो यहाँ महाभारत का आखिरी एपिसोड हो गया होता। साले साहब, क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? कहावत है कि बगैर उंगली टेढ़ी किए घी नहीं निकलता। मैंने स्टाइल बदल दिया है, उंगली सीधी कर दी है, अब घी सीधी उंगली से ही निकलेगा। साफ साफ बात करो। राज और माला हनीमून मनाने हिल स्टेशन जा रहे हैं। पहाड़ की ऊंचाई से बेचारी का पैर भी तो फिसल सकता है। मामा जी, आपका यह नया नाटक मेरी समझ में नहीं आया। ससुर के पैर छुओ, माला को अपना लो, औरत को खिलौना मत समझो। भांजे, कल अगर मैं ये नाटक नहीं करता तो या तो ज्ञानी की तलवार तुम्हारी गर्दन उड़ा देती, या तुम्हारी बंदूक की गोली ज्ञानी के सीने के पार होती, और दोनों ही सूरतों में माला घर से बाहर नहीं निकलती। लेकिन अब माला घर से तो क्या, इस दुनिया से ही बाहर निकल जाएगी। वो कैसे? सुना है इस इलाके में इतने जहरीले सांप हैं कि जिसे डस ले वो पानी तक नहीं मांगता, और अगर गलती से कोई उनका जहर चूसने की कोशिश करे तो वो भी दम तोड़ देता है। कुछ समझा मांझे? जी मामा जी। वेरी गुड। तो फिर देर किस बात की? मेरे प्यारे भांजे, कल की सुबह तो होने दे। बस भांजे बस, दो मिनट में खेल खत्म। की आखिरी चीख तुम्हारी आजादी का ऐलान है। जाओ भांजे जाओ, अपनी कानूनी बीवी के आखिरी दर्शन कर लो। जब तक मेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, दुनिया तो क्या, भगवान भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। आ! 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 आ!
मिस्टर राज, आप किस्मत वाले हैं। इतने जहरीले सांप का जहर चूसने के बाद भी आपकी पत्नी बच गई। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, किसी तरह रात गुजर जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब, ऑल द बेस्ट। तुमने एक बार अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भर दिया तो तुम्हारे जीते जी ये सिंदूर कभी नहीं मिटेगा। जीते जी इस घर से कभी नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो मरने के बाद, वो भी तुम्हारे कंधे पर सवार होकर। मामा जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बहू में बाजी हार गया। राज ने आशिकों की तरह अपना दिल माला के कदमों में रख दिया है। अब वो माला को मरने नहीं देगा। लेकिन मैं माला को जीने नहीं दूंगी। वो कैसे? आजकल हर घर में नई नवेलियां आग से जलकर राख हो जाती हैं। ये भी उसी तरह। वेरी गुड। तो फिर देर किस बात की? चिता सजाइए, लाश आती ही होगी। अरे भाभी, आप यहाँ?
भाई मैंने फोन कर दिया था कि बहू की तबीयत खराब है, बेचारी दौड़ी चली आई। माला मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। जिसे मैं पत्थर समझ रही थी वो तो हीरा निकली। राज, मेरी बहन को पलकों पर सजा के रखना। आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे दीदी तुम यहाँ कैसे? राज सुना है तुम्हें सांप ने काटा था? हाँ, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे इस भाई की जान बचा ली, वरना अभी तक राम नाम सत्य हो गया होता। चुप। लेकिन सांप घर में आया कैसे? वकील साहब, सांप आपके कानून को नहीं मानता, वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है। राज भाभी कहाँ है? चाय बना रही। मैं मिलकर आती हूँ। अरे सुधा दीदी आप कब आई? बस अभी अभी। लेकिन तुम अंदर क्या कर रही थी? देखो ना क्या बकवास माचिस है, एक भी तीली नहीं जल रही। बेटी ये लाइटर ले लो। माला दे दो ये लाइटर मुझे, ये तुमसे नहीं जलेगा। तुम जाकर बैठो, चाय मैं बनाकर लाती हूँ। What?